तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दो लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत। खबर जिला चिकित्सालय से है। हम आपको बता दें कि बलराम शर्मा अपने दोस्त दीवान सिंह तोमर के साथ खेत देखने के लिए जा रहे थे और यहां पर दीवान सिंह तोमर मोटरसाइकिल हाईवे पर खोकर के लिए मोड़ी, तभी कोलारस से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से टक्कर मार दी। उसके बाद दोनों बाइक सवार बेहोश हो गए। होश आने पर दोनों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर बाइक चालक दीवान सिंह तोमर उम्र 34 साल निवासी ककड़ुआ की मौत हो गई, जबकि आपको बता दें कि व्यक्ति का उपचार जारी है। स्कॉर्पियो कार का नंबर MP33C8434 बताया जा रहा है। अरे जे मेरे साथ में दीवान सिंह तोमर गाड़ी चला रहे थे और खोकर इनका खेतों में अपने फसल देखने जा रहे थे जी। पीछे बैठा था जी। जैसे ही हाईवे पर क्रॉस हुआ खोकर साइड, तो सामने से बड़ी गाड़ी थी, मतलब स्कॉर्पियो हो या कोई सी भी हो, सामने से टक्कर मार रहा, बेहोश हो गए। पता नहीं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा, होश आया। सामने कोलारस साइड से आ रही थी गाड़ी, बहुत ही स्पीड में थी।